दोस्तों घर में फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना। आज हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, किस पे? फॉल सीलिंग पे। इस पे हम सब टाइप की फॉल सीलिंग के बारे में बात करेंगे, पीवीसी हो गई, जिप्सम हो गई, पीओपी हो गई, लेकिन जो मेन वीडियोस रहेंगी वो रहेंगी पीओपी की। जो फॉल सीलिंग रहती है उसका कंप्लीट, कैसे आपको कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बना सकता है, कौन सा मटेरियल सही है, इसे 5 से 6 वीडियो में लाऊंगा। लेकिन मस्ट मैं कहूंगा ये देखना चाहिए, जो लोग अपने घर में फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, इस घोटाले से बचना, इस मतलब धोखाधड़ी से बचना। ये काफ़ी लोगों के साथ होती हैं ये चीज़ें, अगर आपको पता होंगी तो आपकी जो फॉल सीलिंग है वो 10 से 15 साल तक उसको कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान नहीं दी, जो आपकी फॉल सीलिंग हुई 3 या 4 साल के बाद आपको खुद वो निकालनी पड़ सकती है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं काफ़ी लोगों के साथ। अगर हम बात करें, ये जो वीडियो आज की वीडियो होने वाली है वो आपको मैं शेड्यूल बता दूं क्या क्या आगे आपके लिए आने वाला है, थोड़ा टाइम लूँगा मैं आपका। तो देखो आज की वीडियो मटेरियल के बारे में होगी, टोटल कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा धोखाधड़ी होती है, क्या लेना है क्या नहीं, वो हो गई। कल हमारे रेट्स आएंगे, रेट उस पर करूँगा। फिर अगली जो आएगी क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका, पीओपी की फॉल सीलिंग का रेट एनालिसिस करूँगा। फिर उनके कंपैरिजन करूँगा पीओपी और पीवीसी की, और आपको नए नए डिज़ाइन भी दिखाऊँगा पीओपी के, और सस्ते वाले डिज़ाइन, महंगे डिज़ाइन, क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कौन से सस्ते बनेंगे, सब चीज़ें। और फिर लाइटिंग जो रहती है उसमें, उसकी वायरिंग का खर्चा, सब कुछ वीडियोज़ आने वाली हैं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये धोखाधड़ी मटेरियल से स्टार्ट होती है। आपके घर पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा या किसी को हायर करोगे, वो आपके साथ रेट फिक्स करता है कि हम जो पीओपी की फॉल सीलिंग करने जा रहे हैं वो हम लेंगे आपसे 90 रुपये स्क्वेयर फिट। ठीक है, इधर ध्यान देना, इसी में धोखाधड़ी स्टार्ट होती है, 90 रुपये स्क्वेयर फिट। उस दौरान हम क्या देते हैं, फोकस देते हैं कि ये 90 रुपये है, हमारे साथ वाले ने या किसी ने 80 रुपये में करवाई थी या 75 रुपये में करवाई थी, तो हम बोल देते हैं कि नहीं 80, तो हम सोचते हैं चलो इसने 80 में मेहमान गया है और उसने 85 में करवाई थी। लेकिन 80 में एक चीज़ वो कर जाते हैं, वो खेल जाते हैं, वो होता है जो मटेरियल। अगर आप 80 बोलोगे वो मटेरियल लगा देंगे जो 60 रुपये के रेट का भी नहीं है। तो वही चीज़ है, आपको जब रेट करना है किसी के कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आपको रेट प्लस मटेरियल दोनों पे ध्यान देना है कि इस कंपनी का मैं मटेरियल लगवाऊंगा और इस रेट में मैं करूंगा, तो फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर 80 में स्टार्ट तो कर देगा लेकिन मटेरियल का आपको पता नहीं होगा, मटेरियल वो कुछ ऐसा लगा रहा है कि 2 से 3 साल बाद उसको रस्ट लगे, क्रोजन लगे, सड़कें वो नीचे गिरने लग पड़ती है, ऐसी सीलिंग की हालत हो जाती है। इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है मैं बता दूँ, पहले तो एंगल चैनल्स होते हैं जो फिटिंग की जाती है, फिर हो गया, फिर पीओपी होती है, फिर हमारी जो उसमें फास्टनर लगते हैं, फिर हमारी जो होती है वायर मैश होती है, ये चीज़ें मेनली यूज़ की जाती हैं। इसी पे हमें आज बात करनी है कि कौन सी कंपनी के सही हैं, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंगल आते हैं वो, क्योंकि मिलते बाज़ार में किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से आते हैं, जो अच्छे एंगल रहते हैं ना 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से होते हैं, मतलब उसमें हमारा, मैं आगे आपको सामने दिख रहा भी होगा, जो चैनल होता है, फिर इंटरमीडिएट चैनल होता है, फास्टनर होता है। टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके, इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है, इसमें देना है सिविल इंजीनियर को। जो नॉन टेक्निकल है उनको ध्यान देना है कि कंपनी कौन सी लगानी है। तो 5 कंपनी के मैं नाम बताता हूँ। एक जीपी रॉक, सबसे अच्छी कंपनी जो इंडिया में है मेरे ख्याल में, वो जीपी रॉक कंपनी है। फिर है आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा और यूएसजी बोरल। ये 4 कंपनी जो है ना, इनका अगर मटेरियल आपके घर में लगता है तो कुछ नहीं होगा, वो चैनल अच्छा रहेगा और इनका जो प्राइस चल रहा है 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से। और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं आपके घर में वो क्या करते हैं, 30 से 40 रुपये का केजी जो आता है वो स्टील नहीं रहता, वो अल्यूमिनियम रहता है, उस पर कोटिंग कर दी होती है, ख़त्म। वो उसको अगर आप थोड़ा ज़ोर भी लगा दोगे ना वो टूट जाएगा। और जब उसको ऊपर लगाया जाता है, जब उस पर गीली पीओपी लगाई जाती है, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है तभी के तभी। तो ये चीज़ ध्यान देनी है, ये 4 कंपनी के ही एंगल आपको यूज़ करने हैं जीपी रॉक के। अपने एरिया में पता करो जीपी रॉक का मिलता है नहीं मिला, आर्मस्ट्रॉन्ग का मिलता है मिल गया, शेरा, यूएसजी, इन किसी का भी, जब भी वो एंगल वगैरह लाए उसको चेक करना है कि उसका वेट कितना है और स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको मैच करना है। ये हो गया जो एंगल चैनल होते हैं। फिर आते हैं पीओपी में, पीओपी में काफ़ी ज़्यादा घोटाला किया जाता है। कुछ पीओपी क्या होती हैं, वो सेट जल्दी हो जाती हैं, सेट जल्दी हो गई उनका काम काफ़ी स्पीड से निकलता है, लेकिन वो सेट होके क्रैक, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स काफ़ी जल्दी आते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्रैक दिखने लग पड़ेंगे।
तो वो ही चीज ध्यान देनी है। जो पीओपी आपको यूज करनी है वो कौन सी करनी है, ये जो मैंने आपको ब्रांड के नाम बताया जीपी रॉक, इसकी भी पीओपी आती है, आर्मस्ट्रांग की भी पीओपी आती है, शेरा की भी पीओपी आती है, तो उसको बोलना है कि पीओपी भी हमें इसी ब्रांड की यूज करनी है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पीओपी की बात करूँ जो मार्केट में मिलती है वो आपकी 90 रुपये 10 kg स्टार्ट हो जाएगी, 90 रुपये की 10 kg आपको मिल जाएगी, 100 रुपये kg 10 kg या 110 रुपये kg ये मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छे ब्रांड की आएगी वो आती है 200 से 250 रुपया तक। उसमें हमारा कौन सा हो गया, सेंट गोबियन जीपी रॉक, जैसे मैंने कहा इसकी भी पीओपी आती है जीपी रॉक और आर्मस्ट्रांग की, तो इनको ये भी मेंशन करना है जब आप रेड कर रहे हो उसको कि 80 रुपये से 90 स्क्वायर फीट हम तेरे को दे रहे हैं तो कौन सी कंपनी की जीप लगाएगा। वो पहले देखो रेड करते टाइम वो बोल देंगे कि हम लगा देंगे, लेकिन जब मटेरियल आता है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उस कंपनी का वो ब्रांड का लेके आया है। क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में थोड़ा मटेरियल आएगा वो उस कंपनी का लेके आ जाएगा, लेकिन बाद में भी आपको चेक करते रहना है कि जो चैनल लग रहे हैं वो कौन सी कंपनी का, ये चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है। फिर अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जाती है जिससे मैंने देखा है मोस्टली फॉल सीलिंग जो होती हैं वो गिरती हैं, वो होती है जो पीओपी की वायर मैश होती है। होता क्या प्रोसेस, मैं एक वीडियो अलग से इसमें बनाऊंगा कि पीओपी की फॉल सीलिंग होती कैसी है, स्टार्ट से एंड तक वो पूरा प्रोसेस होगा, फास्टनर मारा जाएगा, एंगल मारे जाएंगे, फिर उसमें वायर मैश लगाई जाएगी, फिर पीओपी गीली करके लगा दी जाती है, ये प्रोसेस रहता है। लेकिन वीडियो में आप देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। तो वो जो वायर मैश लगाई जाती है उसमें धोखाधड़ी क्या होती है, वो वायर मैश, कुछ वायर मैश आती हैं देखने में अच्छी होती हैं, मतलब थिकनेस भी अच्छी होती है, क्योंकि इनको आपको पहचानना कैसे है, अगर 3 mm से 5 mm की थिकनेस है तो काफ़ी अच्छी वायर मैश है, वो जल्दी सड़ेगी नहीं। इसमें क्या होता है वो दिखने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब भी उसको पीओपी लगाई थी अगर दूसरे दिन आप उसको देखोगे ना काट के, तो उसमें वो बची ही नहीं होगी, जाली रही ही नहीं होगी, जाली के सिर्फ वहाँ निशान होंगे कि जाली थी यहाँ पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की जाती है वायर मैश में, तो उसकी क्वालिटी आपको मस्ट चेक करनी है। ये भी जो भी नाम बताए जीपी रॉक, आर्मस्ट्रांग, शेरा, इनकी सब मटेरियल आता है फॉल सीलिंग के लिए, सब मटेरियल आता है, आपको इनको एक बार पता करना है मार्केट में। क्योंकि अगर मैं रेड का मैं अलग से वीडियो लाने ही वाला हूं तीनों चीजों के, पीपीसी का, जिप्सम का, पीओपी का, अगर मैं बताऊं 30 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर होती है और अगर फुल मटेरियल दोगे 80 रुपये, तो ये मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए आपको, लेबर को दे देना चाहिए ठेका, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कर लो, मटेरियल खुद लाओ, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा पड़ता है। थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर आप 80 रुपये स्क्वायर फीट ठेका दे देते हो उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। ये हम पहुँच गए वायर मैश तक मटेरियल। अगला मटेरियल जो यूज़ होता है वो होता है एंकर फास्टनर। जो एंकर फास्टनर होता है उसमें भी काफ़ी ये करते हैं घोटाला, 4 इंच का आता है 6 इंच का आता है, और कंपनी हिल्टी कंपनी का मिलता है तो सबसे बढ़िया फास्टनर है, बाकी कंपनी के भी अच्छे फास्टनर आ रहे हैं। फास्टनर का इतना कुछ हो नहीं है, बस 4 इंच का 6 इंच का आपको ध्यान देना कि 4 इंच का ही फास्टनर आपको यूज़ करवाना है। जब 4 इंच का फास्टनर यूज़ करवाओगे तो क्योंकि अगर पूरे कमरे में करवा रहे हो पूरे छत में तो लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो उसको देखना कि फास्टनर कितने कितने दूर पर मार रहा है। वो क्वालिटी तो देख ली आपने फास्टनर की, लेकिन फास्टनर अगर मैं अच्छा बोलूं तो 100 से 145 के बीच वो आपको एक फास्टनर पड़ेगा अच्छा वाला। लेकिन जो ये बॉक्स लाते हैं वो बॉक्स ही 200 से 300 रुपये का बॉक्स होता है, तो लगा लो 40-50 रुपये का फास्टनर यूज़ करेंगे। अगर वो सस्ता वाला फास्टनर भी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि वो पास पास पे फास्टनर मारे, दूर दूर की कमरे में सिर्फ 4 फास्टनर लगे तो आपकी सीलिंग गिरने का डर रहता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो जी हम एक बार जाला बना देंगे, मतलब मैश लगा देंगे, एंगल लगा देंगे, आप लटक के देखना टूटेंगे नहीं, लेकिन वो कहाँ लटकेंगे, क्या है क्या, वो चीज़ें उसमें नहीं फंसना। अगली चीज़ है जो इसमें स्क्रू वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो उस पर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी है। जो फॉल सीलिंग के स्क्रू होते हैं तो आपको स्क्रू पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो स्क्रू यूज़ किए जाएंगे वो कार्बन स्टील ब्लैक कलर के दिखेंगे, लंबे लंबे स्क्रू होते हैं। अगर वो डुप्लीकेट कंपनी के स्क्रू यूज़ करने जाएँ वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाते हैं, मतलब मॉइस्चर लगेगा 5-6-3-4 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो तब फॉल सीलिंग गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। तो वो भी देखना है आपको कौन से यूज़ कर रहे हो। ये मटेरियल मोस्टली मटेरियल यही यूज़ किया जाता है, लेकिन जो आगे वीडियो आने वाली है उधर मटेरियल की भी बात होगी और क्वालिटी दिखाऊंगा भी, सब कुछ दिखाऊंगा। ये तो मतलब लगा लो इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि पीओपी की फॉल सीलिंग कैसे की जाती है। अभी काफ़ी कुछ पीओपी की फॉल सीलिंग पे आने वाला है, पीवीसी पे आने वाला है, बस आपको चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो भी फॉल सीलिंग वगैरह करवा रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर करो, उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले और इस घोटाले से वो लोग भी बचें। थैंक यू गाइस।